नमस्कार साथियों, परीक्षण परिवार में आप सभी का स्वागत है। चलिए साथियों, आज हम लोग देखेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या होती है, हमेशा इससे प्रश्न बनते रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे क्या अधिगम अक्षमता या फिर लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है, इसको देखेंगे। इससे क्या होते हैं, हमारे परीक्षा में प्रश्न बनते हैं और साथियों बहुत से साथियों क्या होता है, इसमें बहुत सी कठिनाई दिक्कतें प्रॉब्लम होती हैं, समस्याएं होती हैं, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक साथियों। और इससे क्या होते हैं, हमेशा चाहे वो सी टेट हो, सुपर टेट हो, यूपी टेट हो, मतलब जो भी जितने भी शिक्षक भर्ती एग्जाम होते हैं, सब में क्या होती है, अधिगम अक्षमता हमारी पूछी जाती है। तो हम लोग देखेंगे अधिगम अक्षमता क्या होती है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे और एक एक चीज़ करके इसको कन्फर्म करेंगे, क्लियर करेंगे क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल है और किस प्रकार से कौन कौन होती हैं, ठीक है, किसमें क्या चीज़ें होती हैं, किसमें कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, एक एक करके उसको समझेंगे और देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, हम लोग देखेंगे अधिगम अक्षमता, अधिगम अक्षमता क्या होता है उसको देखते हैं, हम लोग अधिगम अक्षमता को देखेंगे और समझेंगे। तो हमारी टॉपिक क्या है, अधिगम अक्षमता। अक्षमता अधिगम अक्षमता का मतलब क्या होता है साथियों, कि कोई भी चीज़ सीखने में, अगर हम कोई भी चीज़ अधिगम अर्थात सीख रहे हैं, उसमें क्या होता है, जो कठिनाई साबित, जो कठिनाई हमारी होती है, वही हमारी अधिगम अक्षमता के अंतर्गत आती है। चलिए देखते हैं अधिगम अक्षमता की शुरुआत कैसे होती है। तो अधिगम अक्षमता शब्द का पहला प्रयोग 1963 में सैमुअल क्रिक ने किया था। तो कब किया था साथियों, 1963 में। इस चीज़ को आप जरूर नोट करिएगा, इस पॉइंट को, कि अगर बात करेगा अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो सैमुअल क्रिक ने कब किया था, 1963 में। आगे देखते हैं, अधिगम अक्षमता का मुख्यतः मतलब इसका क्या होता है, सीखने की क्षमता कमी या अनुपस्थिति से है। अगर बात करें अधिगम अक्षमता का मुख्यतः मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, तो साथियों क्या होता है, सीखने की क्षमता या सीखने की कमी जो हमारी अनुपस्थिति होती है उससे माना जाता है। चलिए तीसरा दिया है, एक परिभाषा है क्रिक के अनुसार, इन्हीं की परिभाषा है सैमुअल क्रिक की, तो इनके अनुसार परिभाषा, इन्होंने अपनी परिभाषा जो दी है इसके परिप्रेक्ष्य में क्या दी है उसको देखते हैं। कहा है, अधिगम अक्षमता को भाषा पठन लेखन या गणितीय प्रक्रियाओं में से किसी एक या एक से अधिक प्रक्रियाओं में मंदता, विकृति या अवरुद्ध विकास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो संभव मस्तिष्क कार्य निरूपण या संवेगात्मक अथवा व्यवहारिक विक्षोभ का परिणाम है, न कि मस्तिष्क की मंदता, संवेदी क्षमता अथवा सांस्कृतिक अनुदेशन का कारक है। कहने का तात्पर्य इन्होंने यह बताया साथियों, कि अगर कोई भी चीज़ें, किसी भी चीज़ में हमको, जैसे कोई प्रक्रिया, लेखन, पठन, भाषा इत्यादि में कोई समस्या हो रही है, किसी एक से अधिक प्रक्रियाओं मंदता, विक्रिया, अवरुद्ध के रूप में क्या होता है, इसको देखा जाता है, तो ये क्या कर सकते हैं, ये हमारी मानसिक मंदता, इसको हम जरूर नहीं कि मानसिक मंदता इत्यादि के नाम से प्रदर्शित करें, इसका जो मुख्य तात्पर्य हमारा होता है साथियों, इसमें क्या चीज़ें बताई जाती हैं, कि जैसे जो भी चीज़ें होती हैं, कि क्या कमी होती है, मतलब अधिगम अक्षमता, मतलब कोई भी चीज़ सीख रहे हैं तो सीखने में जो त्रुटियाँ होती हैं उसको क्या करता है, ये दर्शाता है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते देखते हैं, आगे देखेंगे अधिगम अक्षमता की विशेषताएं क्या है साथियों, अधिगम अक्षमता की क्या विशेषताएं होती हैं उसको देखते हैं, विशेषताओं को देखते हैं। तो अधिगम अक्षमता परिवर्तनीय चर होती है, अधिगम अक्षमता जो होती है वो क्या होती है, परिवर्तनीय या फिर चर के रूप में जानी जाती है। आगे है, उचित अभ्यास द्वारा किसी भी अधिगम अक्षमता को दूर किया जा सकता है, मतलब क्या कर सकता है, उचित अभ्यास करके किसी भी अधिगम अक्षमता को क्या कर सकते हैं, हम दूर कर सकते हैं। अगला हमारा है, यह एक विकार है न कि बीमारी, यह क्या है, एक प्रकार का विकार है, ठीक है, बीमारी का नाम इसको हम नहीं दे सकते, जो हमारी अधिगम अक्षमताएं होती हैं ये एक प्रकार का विकार है, लेकिन इसको हम क्या कर सकते हैं, बीमारी का नाम नहीं दे सकते हैं। कुछ समय बाद अधिगम अक्षमताएं स्वतः खत्म अधिगम में परिपक्वता आने लगती है, मतलब जब कुछ समय बाद ये अधिगम, जो हमारी अक्षमताएं होती हैं, ये स्वतः खत्म हो जाती हैं और हमारे अधिगम में क्या होता है, परिपक्वता आने लगती है, ठीक है, इस प्रकार से इसको हम लोग जानते हैं। अगला है, ज़्यादातर अधिगम अक्षमताएं मनोवैज्ञानिक भी हो सकती होती हैं, तो ज़्यादातर जो अधिगम अक्षमताएं हमारी होती हैं वो किस रूप में होती हैं, तो मनोवैज्ञानिक के रूप में भी हो सकती हैं, होती हैं, ठीक है, ये कुछ विशेषताएं दी गई थी अधिगम अक्षमता की। आगे देखते क्या दिया हमारा, आगे देखेंगे अधिगम अक्षमता के प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं, एक एक करके उस लक्षण को हम लोग देखेंगे। पहला है, उपयुक्त आचरण न करना, जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं उसका क्या करना, पालन न करना। दूसरा है, स्वयं के प्रति लापरवाही, अगर अधिगम अक्षमता किसी बच्चे के अंतर्गत पाई जाती है तो इसका मुख्य कारण ये भी होता है कि स्वयं के प्रति वो क्या होता है, सजग
नहीं होता है, स्वयं के प्रति लापरवाही जो होती है ये भी क्या होती है, अधिगम अक्षमता के लिए जिम्मेदार मानी जाती है। अगला है ध्यान का आसानी से भटक जाना, मतलब कोई भी चीज़ें अगर बताई जा रही है, पढ़ाई जा रही है, तो उसका ध्यान कहीं और लग रहा है, पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा है, उस टॉपिक पर उस विषय वस्तु पर ध्यान नहीं लग रहा है, अर्थात कह सकते हैं ध्यान का आसानी से भटक जाना भी इसके लिए जिम्मेदार है। अगला है संवेगात्मक अस्थिरता, उसके संवेग में जो अस्थिरतापन जो पाया जाता है ये भी क्या होता है, एक कारण माना जाता है। अगला है सामान्य से ज़्यादा सक्रियशीलता, मतलब बच्चा क्या होता है अगर कोई भी चीज़ अगर सीख रहा है तो उसमें सामान्य से ज़्यादा अगर वो सक्रिय है तो भी क्या होता है, ये अधिगम अक्षमता के कारण के अंतर्गत आता है। अगला हमारा है कार्य की मंद गति, मतलब कोई भी कार्य अगर कर रहा है बहुत धीमी गति से कर रहा है, बहुत मंद गति से कर रहा है, ये भी उसके लिए जिम्मेदार मानी जाती है। फिर है प्रत्यक्षीकरण संबंधी जो दोष जो हैं निर्धारित किए गए हैं ये भी क्या होते हैं, इसके लिए जिम्मेदार बताए जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, कुछ प्रमुख कारण दिए गए अधिगम क्षमता को, हम लोगों ने एक एक करके देख लिया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे देखेंगे अधिगम संबंधित निर्योग्यता या कठिनाइयां, इससे आपके परीक्षा में प्रश्न बनते हैं साथियों। अभी हम लोग ऐसे देख रहे हैं, आगे चल के एक एक कर को क्लियर करके देखेंगे किसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। तो चलिए एक नजर इसको देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट ये मानी जाती है। पहला दिया डिस्मॉर्फिया, डिस्मॉर्फिया क्या होता है, लेखन संबंधी समस्या होती है। एक बच्चे के अंदर क्या होता है साथियों, लेखन संबंधी जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, डिस्मॉर्फिया कहते हैं। आगे डिस्लेक्सिया, पठन संबंधी जो हमारी विशेषताएं होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, पठन संबंधी जो विशेषताएं होते हैं उसे क्या कहते हैं कि डिस्लेक्सिया कहते हैं। आगे दिया डिस्प्रेक्सिया, पढ़ने लिखने तथा बोलने संबंधी समस्या। फिर दिया है डिस्कैल्कुलिया, ये पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कैल्कुलिया, इसको ध्यान दीजिएगा। ये क्या है, गणित संबंधी या गणनाओं संबंधित समस्या है। अगला है डिस्पेजिया, ये क्या होता है, गति कौशल संबंधी, जो हमारे सूक्ष्म गति कौशल होते हैं उससे संबंधित कौन सी होती है, डिस्पेजिया होती है। फिर प्रोजेरिया क्या होती है, कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण दिखने लगते हैं। ये चीज़ें क्या होती है, इसमें बताइए कौन सी बीमारी पाई जाती है, तो प्रोजीरिया जो नामक बीमारी होती है ऐसे बच्चों के अंतर्गत पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, अफेसिया दिया है, अफेसिया क्या होता है, भाषा संबंधी समस्या, जो भाषा संबंधी समस्याएं होती हैं उसे हम अफेसिया के नाम जानते हैं। फिर दिया बुलिमिया, भोजन ग्रहण संबंधी समस्या, बुलिमिया जो होती है ये क्या होती है साथियों, भोजन ग्रहण संबंधी समस्या होती है। अगला दिया डिसमेंसिया, क्या होती है डिमेंसिया, तर्क चिंतन स्मरण शक्ति का कमजोर होना, तर्क चिंतन स्मरण शक्ति का कमजोर होना क्या कहलाता है, डिसमेंसिया कहलाता है। अगला दिया है ADHD, अवधान संबंधी समस्या होती है। फिर दिया है एफासिया, क्या होता है, वाचन लेखन एवं भाषा में समस्या, वाचन लेखन एवं भाषा में अयोग्यता या समस्या ये क्या होती है, एफासिया कहलाती है। चलिए एक एक को हम लोग समझते हैं अधिगम कर, पहले हम आगे देखेंगे हमारा दिया है अधिगमकर्ता की भूमिकाएं, इसी में दिया है अधिगमकर्ता की भूमिकाएं क्या होती है उसको देखते हैं। तो अधिगमकर्ता की निम्नलिखित भूमिकाएं हो सकती हैं, अर्थात पहला दिया है सीखने के जिज्ञासु होना, मतलब बच्चा क्या करता है सीखने के लिए जिज्ञासु रहता है। फिर ज्ञान प्राप्त करने की जगह ज्ञान का निर्माण करना। तीसरा दिया है सीखने के लिए तैयार रहना। अगला हमारा इसी में सामाजिक परिवेश से जुड़कर सीखना, ये सब क्या होते हैं अधिगमकर्ता की एक भूमिकाएं के रूप में मानी जाती हैं। फिर है सीखे गए ज्ञान को जीवन में प्रयोग करना। आगे है आजीवन सीखते रहना। तो ये सब क्या होते हैं अधिगमकर्ता की महत्वपूर्ण भूमिकाएं जो होती हैं एक एक करके दी गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे अक्षमता के प्रकार, हम लोग देखेंगे अक्षमता के प्रकार कौन कौन से प्रकार होते हैं, उसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं उसको देखते हैं। तो अक्षमता के प्रकार कौन कौन से होते हैं, दृष्टि अक्षमता, विजुअल डिसेबिलिटी, दूसरा होता है साथियों श्रवण अक्षमता, ऑडिटरी डिसेबिलिटी, तीसरा होता है मानसिक अक्षमता, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इसके बाद होता है गामक अक्षमता, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, इसके बाद हमारा अगला दिया है अधिगम अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं अधिगम अक्षमता को देखा हम लोगों ने साथियों, जो परीक्षा में क्या होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, परीक्षा की दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट, हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। पहला होता है दृष्टि अक्षमता, दूसरा होता है श्रवण अक्षमता, तीसरा मानसिक अक्षमता, चौथा गामक अक्षमता, अब पाँचवा हमारा कौन सा होता है, तो अधिगम अक्षमता होता है। तो अक्षमता को कितने भागों में बांटा गया, 5 भागों में बांटा गया है। चलिए एक एक करके जितनी भी चीज़ें होती हैं हम लोग परीक्षा की दृष्टि समझेंगे। पहला दिया अप्रेक्सिया, अप्रेक्सिया के बारे में क्या होता है हम लोग समझेंगे, अप्रेक्सिया क्या चीज़ें होती है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। यह एक ऐसा शारीरिक विकार है जिसके कारण व्यक्ति मांसपेशियों के संचालन से संबंध सूक्ष्म गति कौशल जैसे लिखने चलने टहलने बोलने में निपुण नहीं होते हैं। इसी में एक और पॉइंट है, यह मस्तिष्क के सेरेब्रम में क्षति के कारण उत्पन्न होती है,
इस चीज को याद रखिएगा, अप्रेक्सिया जो बीमारी होती है यह क्या होता है, मस्तिष्क में अगर क्षति हो जाती है, मस्तिष्क में अगर चोट दुर्घटनावश क्या भी किसी भी प्रॉब्लम समस्याएं हो जाती हैं, सेरेब्रम में जो मस्तिष्क हमारा सेरेब्रम होता है अगर उसमें कोई त्रुटि या विकार हो जाता है, क्षति हो जाती है, तो उसके कारण ये उत्पन्न होता है। अगला दिया डिस्प्रेक्सिया, यह अपेक्सिया का एक प्रकार है, मस्तिष्क में क्षति के कारण भी यही भी होता है, हाथ एवं आंख के बीच समन्वय एवं संतुलन स्थापित नहीं कर पाता है। डिस्प्रेक्सिया तंत्रिका तंत्र संबंधित विकार है जिसमें सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर कहते हैं, जिसे हम डिस्प्रेक्सिया क्या नाम देते हैं, सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, किसको, डिस्प्रेक्सिया को। आगे देखते हैं, अगला हमारा दिया डिस्फेजिया, अगला हमारा है डिस्फेजिया क्या होता है, मस्तिष्क में क्षति के कारण बातचीत करने में आंशिक या पूर्णतः अक्षमता, मस्तिष्क में क्षति के कारण बातचीत करने में आंशिक या पूर्णतः अक्षमता हमारी क्या डिस्फेजिया कहलाती है। अगला दिया एलेक्सिया, एलेक्सिया क्या होती है कि मस्तिष्क में क्षति के कारण पढ़ने में अक्षमता हमारी एलेक्सिया कहलाती है, इसे शब्द अंधता या पाठ अंधता या विजुअल अफेसिया भी कहते हैं। क्या क्या, शब्द अंधता, पाठ अक्षमता, पाठ अंधता या फिर विजुअल अफेसिया भी कहते हैं, यह अर्जित डिस्लेक्सिया है। अगला पॉइंट इसी में, अलेक्सिया के कारण अफेसिया एवं डिस्ग्राफिया जैसी अधिगम अक्षमता होना भी क्या है, संभव है, किंतु प्रत्येक स्थिति में संभव नहीं हो सकता है। अगला देखते हैं हम लोग, अगला दिया डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया क्या होती है, डिस्ग्राफिया मतलब ये किससे होती है, तो लिखने संबंधी अक्षमता होती है, इसमें कोई बच्चा क्या ठीक से नहीं लिख पाता है, हाथ हथेली या उंगुलियाँ संबंधित इसमें क्या होती हैं, गड़बड़ियाँ पाई जाती हैं, मस्तिष्क संबंधित भी कुछ गड़बड़ियाँ पाई जाती हैं। ये चीज आप एक पॉइंट को क्लियर कर लेंगे, ये क्या हमारी डिस्ग्राफिया हुई। अगला देखेंगे डिस्कैल्कुलिया, पहले बता चुके हैं गणती अंकगणित समझने में कठिनाई होती है, इसे न्यूमोलेक्सिया भी कहते हैं, इसे क्या, न्यूमोलेक्सिया भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ग्राफिकल लेक्सिकल वर्बल इत्यादि चीज़ों में क्या होती है, दिक्कतें परेशानी आती है, मस्तिष्क संबंधित कुछ गड़बड़ियाँ भी इनमें पाई जाती हैं, तो ये हमारी क्या है, डिस्कैल्कुलिया है, जो गणितीय क्षमता के अंतर्गत रखी गई, इसमें कठिनाई होती है। अगला देखते हैं, अगला हमारा डिस्थीमिया, इसको भी देख लिया हम लोगों ने, गंभीर तनाव की अवस्था होती है, व्यक्ति की मन स्थिति हमेशा निम्न होती है, बालक का अधिगम इससे क्या होता है, ज़्यादातर अधिगम जो हमारा होता है वह प्रभावित होता है, इसको हम किस नाम जानते हैं, डिस्थीमिया के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे दिया डिस्मॉर्फिया, डिस्मॉर्फिया क्या होता है साथी, उसको देख के इसमें भ्रम हो जाता है कि शरीर के कुछ अंग बहुत छोटे या अपूर्ण हैं, इसमें क्या होता है, भ्रम होता है इसमें जो शरीर के कुछ अंग छोटे दिखते हैं या फिर बड़े दिखते हैं या फिर अपूर्ण लगते हैं कि है ही। आगे दिया है शरीर के विभिन्न अंगों की तुलना दूसरे लोगों से करने लगता है, बच्चा इसमें क्या करता है, शरीर के अंगों की तुलना दूसरों के लोगों से करने लगता है, इसका प्रतिकूल प्रभाव उसके अधिगम पर क्या होता है, पड़ता है, इसका जो प्रतिकूल प्रभाव होता है उसके अधिगम पर पड़ता है। आगे समावेशी शिक्षा योजना में बच्चों की आवश्यकताएं जरूरतों के अनुसार शिक्षा दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखेंगे समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सिस्टम में बदलाव किया जा सकता है बच्चे में नहीं, अगर ये चीज़ याद रखिएगा साथियों कि समावेशी शिक्षा क्या कहती है कि हम सिस्टम में अपने सिस्टम जो प्रणाली होती है उसको बदल सकते लेकिन बच्चे को नहीं, क्योंकि बच्चा सिस्टम के लिए नहीं, सिस्टम क्या होता है बच्चे के लिए बना है। अगला हमारा दिया है इंटीग्रेटेड एजुकेशन के कंपेयर में इंक्लूसिव एजुकेशन बेहतर होता है, इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, एकीकृत जो हमारी शिक्षा होती है उसमें अगर समावेशी शिक्षा जो होती है उसमें सबसे बेहतर मानी जाती है, जिसमें हम लोग क्या है BALE, ये हमारा एक होता है बिल्डिंग एज लर्निंग एड, ठीक है, इस चीज़ को आप लोग नोट कर लेंगे, बिल्डिंग एज लर्निंग एड, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे प्रतिभाशाली बच्चे के बारे में कुछ बातें कही, गिफ्टेड चिल्ड्रन जो होते हैं जिज्ञासा ज़्यादा होती है, चीज़ों को याद रखने की स्मृति क्या होती है प्रतिभाशाली बच्चों के अंदर अधिक होती है, सृजनात्मकता पाई जाती है, IQ लेवल इनकी बुद्धि लब्धि 140 ऊपर होती है, तर्क शक्ति अच्छी होती है, फिर शब्द ज्ञान इनका क्या होता है शब्द भंडार विस्तृत होता है, मनोलैंगिक चिंतन कर सकते हैं। फिर दिया PWD फिजिकल विथ डिसेबिलिटी, ये कब आई थी 1995 इसमें कितने डिसेबिलिटी को कितनी अक्षमताओं को शामिल कितनी बीमारियों को तो 7 अक्षमता को शामिल किया गया था, किसमें PWD फिजिकल विथ डिसेबिलिटी 1995 में आई थी। अगला है RPWD राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी, यह 2016 में यह PWD 1995 को रिवाइज किया गया था, कब 2016 में किसको रिवाइज किया गया था PWD को RPWD के राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी के नाम से जाना गया, इसमें 21 डिसेबिलिटी को शामिल किया गया था, 21 प्रकार की बीमारी को इसमें क्या हुआ इसके अंतर्गत शामिल किया गया था, इस चीज़ को आप नोट कर लेंगे कि RPWD जो आया है वो PWD का एक रिवाइज किया गया रूप है, कब आया था PWD हमारा 1995 में आता है, RPW हमारा 2016 में आता है,
और इसमें कितने 21 बीमारी शामिल किया है, आरपीडब्ल्यू 15 जून 2017 से ये क्या हुआ है भारत में लागू हुआ है, इस चीज को आप लोग नोट कर लेंगे। आरपीडब्ल्यूडी हमारा है ये 15 जून 2017 से लागू हो गया है। तो साथियों आज हम लोगों ने क्या देखा, अधिगम अक्षमताएं संबंधित जितनी भी चीजें दी गई थी हम लोगों ने क्या किया, एक एक करके उसको देख लिया, उसको समझ लिया। इससे क्या होते हैं परीक्षा में हमेशा प्रश्न बनते रहते हैं, आप लोग इसको जरूर नोट करिएगा एक एक चीज को समझकर, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो साथियों आपको कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारा साथ देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।